नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। चीन ने लद्दाख में पेंगोंग झील के पास स्थिति को बदलने के भारतीय सेना के आरोप को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि चीन के सैनिक हमेशा से कड़ाई से एलएसी का पालन करते हैं, वे कभी एलएसी को पार नहीं करते। दोनों ही तरफ की सेनाएं वहां की स्थिति को लेकर बातचीत कर रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या दोनों पक्ष आपस में बैठक कर रहे हैं, इस झाओ लिजियन ने कहा, दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क में हैं। अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसके बारे में हम समय पर जानकारी साझा करेंगे। बता दें कि चीन ने एक बार फिर से भारत के साथ बातचीत के नाम पर लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में छुरा घोंपने की कोशिश की। बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवानों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रात के समय में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। ड्रैगन की इस नापाक साजिश को भारतीय सेना ने जोरदार कार्रवाई करते हुए विफल कर दिया। यही नहीं, भारतीय सेना ने तत्काल इलाके में और ज़्यादा सैनिकों को भी तैनात कर दिया। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि एलएसी पेंगोंग झील के फिंगर 8 तक जाती है और चीनी सैनिकों का फिंगर 4 और 5 में तैनाती पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बता दें कि सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने 2 महीने पहले ही इस झड़प की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेसफा ने 2 महीनों पहले चीनी सेना की तैयारियों को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए खुलासा कर दिया था। इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि पेंगोंग के दक्षिणी तट पर चीन ने अपने कई पोस्ट बना दिए हैं। यही वह इलाका है जहां पर चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई। पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास न केवल चीनी सैनिक तैनात थे बल्कि उनकी मदद के लिए बड़ी संख्या में सैनिक पूरे पेंगोंग इलाके में नजर आए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।